तो गाइज ये बन रहे मेरे गोभी के पराठे जो मैंने कल ना बच्चों के लिए मसाला वसाला तो कल ही रेडी कर दिया था, तो स्कूल के लिए बना रही हूँ अभी। तो ये बन गए पराठे। तो गाइज देखो मन्नु अपने हाथ से रेडी हो रही है अभी स्कूल के लिए, तो मन्नु जाओ जल्दी करो। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तो कर लेते दिन की शुरुआत, अभी बन रखा है सुबह का साथ। तो मैं लोगों स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, मन्नू अभी रेडी हो रही है, वहाँ दिख रही होगी। और मैं कर रही हूँ अभी, मैं बना रही हूँ उनके लिए लंच, तो दिखाते हैं आपको क्या बना रहे हैं आज लंच में। तो गाइज ये बन रहे मेरे गोभी के पराठे जो मैंने कल ना बच्चों के लिए मसाला वसाला तो कल ही रेडी कर दिया था, तो स्कूल के लिए बना रही हूँ अभी। तो ये बन गए पराठे। तो स्कूल के लिए टिफिन अभी तैयार करना है, मैंने ये रखा है अभी, अभी टिफिन भी नहीं रखा हुआ है, तो मसाला भी इतना बचा है। और ये बना दिए मैंने पराठे, ये पालक की सब्जी है, ये गोभी की है। तो ना इसमें अभी मेरा दूध गर्म हो रहा है, तो फिर मैंने दूध भी देना है मैंक लोगों को। तो पराठे तो मेरे बन चुके हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ अभी मौसम आज का। तो गाइस ये रखा है अभी का मौसम, और अभी बहुत हवा भी चल रही है, सूरज भी आ गया और अभी धूप भी आने लगी है धीरे धीरे करके। तो आज का मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है, आज हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। तो वैसे तो धूप भी आई है पर हल्के हल्के बादल लगे हैं, देखो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो फूल खिल गए ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखो दिखाती हूँ भी आप लोगों को, ये देखिए फूल आ गए ना पेड़ों में, अच्छा लग रहा है। ये नाशपाती का पेड़ है तो इस पर भी फूल आने लगे पूरे, तो सारे खिलने लग गए, अब तो बहुत मस्त लगेगा। तो बादल भी दिख रहे हैं अभी, तो गाइस देखो मन्नू अपने हाथ से रेडी हो रही है अभी स्कूल के लिए, तो मन्नू जाओ जल्दी करो। तो गाइज मैंने मैक लोगों का टिफिन भी रेडी कर दिया है, और अब मैंने अपने लिए बचा दिया, हम अभी थोड़ी देर में बनाएंगे अपने लिए नाश्ता, आधा पराठा बचा है और हम थोड़ी देर में करेंगे नाश्ता। पहले मेरे बच्चों को छोड़ने जाएंगे तो इनके पापा, तो मैं तो अभी बाद में बनाऊंगी नाश्ता। मैं भी एक मैंने देखो पालक का पराठा बनाया, इतना टेढ़ा मेढ़ा, एक घंटा लग गया, तो ये गीला हो रहा था ना इसका मसाला जो था, तो बन ही नहीं रहा था। मेरे को पालक के पराठे बहुत पसंद है, तो वो बना, तो मैंने सोचा मैं पालक का बना लेती हूँ, पर एक बना नहीं ठीक सा, टेढ़ा मेढ़ा बन गया। अब इसको इग्नोर करना क्योंकि ये अच्छा नहीं बना है, और वैसे टेस्टी होगा खाने में, मैंने बहुत ज़्यादा मसाला भर रखा है इसके अंदर, तो फट जा रहा था बीच से, इसलिए फट रहा था ना, अंदर से गीला था, नहीं तो पराठे बहुत अच्छे होते। तो फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ चल रहा है मेरा पालक का पराठा, वहाँ मेरे को इतनी देर हो रखी है अभी। तो गाइज मैंने ना मन्नू की देखो इतनी सारी बुक ले जा रही थी, आयुष का टेस्ट है, तो मैंने बुक निकाल दी और मैंने इनको पिठिया विठा भी लगा दिया है, स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं। हेलो मन्नू। तो देखो मन्नू भी रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए अभी। हेलो, इधर तो देख नींद आई है क्या अभी तक? इधर देखो मन्नू जा रही है अभी स्कूल। तो गाइज बच्चे गए स्कूल, तो गाइज बच्चे गए स्कूल अभी। हेलो बाय। तो बच्चों को छोड़ के अब मुझे थोड़ा शांति मिलेगी। तो गाइस अभी सांस लेती हूँ अब, क्योंकि ना जब तक बच्चों को स्कूल ना भेजो तब तक तो ऐसे ही होते रहता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब मैं करूँगी अंदर का काम, फिर मिलते हैं आपको क्या करते हैं दिन में। तो अभी थोड़ी देर में फिर नाश्ता अब दोनों के लिए बनाना है, पराठे का मसाला वसाला सारा तैयार है, बस बनाऊँगी खाली। तो अब मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछे का काम, फिर मिलते हैं आपको।
गाइज बन रहे हमारे, बन गए हमारे गोभी के पराठे, तो एकदम टेस्टी बनने वाले हैं आज के पराठे। तो गाइज बन चुका है मेरा नाश्ता, रेडी हो चुका है। ये है पराठे, ये सब्जी है गोभी और मटर आलू की, और ये दही है, और ये भी मेरा है, मेरे पति देव का गोभी पराठे दही। तो हम लोग करते हैं अब नाश्ता। तो गाइज आप लोग भी नाश्ता कर लो, हम भी नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइज मैं सारे काम निपटा के आ गई हूँ अभी नीचे, अपने नीचे वाले घर में। तो नीचे जा रही हूँ अभी चुटकू के पास, तो दिखाते हैं आपको वहीं का, क्योंकि मैंने बर्तन वर्तन सारे काम कर लिए हैं घर के। तो अब जा रही हूँ नीचे, तो नीचे का दिखाते हैं आपको। आज ना बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, अभी तो अभी तक बादल थे पर धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है। अभी मैं नीचे आई हूँ देखो स्वदेशी वाले घर में, तो यहाँ का दिखाती हूँ अभी आपको। तो मैं ना चुटकू के लिए लाई हूँ पराठा, तो उसको खिलाऊंगी और फिर दिखाते हैं आपको। हेलो, तो चुटकू मेरा इंतजार कर रही है, अभी चुटकू से मिलाती हूँ आपको। तो हमारी चुटकू देखो कैसे घास खा रही है। चुटकू कुछ लाई हूँ मैं तेरे लिए, ये ले ले, कुछ लाई हूँ खाएगी, ये ले ये ले ये ले, ये ले। देखो चुटकू खाने के लिए कितनी जल्दी आ गई, खा लिया। अब नहीं है, अब नहीं है, इतना ही था खा लिया, नहीं है अब है ही नहीं, कल को नहीं है बब्बू कुछ। तो गाइज हमारा नाश्ता बन चुका है, तो बन रहा है अब चुटकू का नाश्ता। देखो चुटकू का नाश्ता कैसे पक रहा है अभी। तो गाइज मैं गई हूँ अभी नीचे, तो ये वाले नल से ना मैं फूलों को दूंगी अभी पानी, तो मैं वही पाइप से लगाऊंगी, यहाँ पे पाइप भी है, तो लगाती हूँ पानी का नल, फिर देती हूँ फूलों को पानी। तो गाइज मैं दे रही हूँ अभी ये फूलों को पानी, देखो ये, तो ये वाले नीचे के फूलों के लिए हमने ये वाला पाइप छोड़ रखा था यहाँ पे, ये वाला, क्योंकि फूलों को पानी देने के लिए। तो इसमें देती हूँ, बहुत कम पानी आ रहा है अभी, क्योंकि नल भी छोटा है ना, और वैसे ही तो कम ही आएगा, मोटर भी नहीं चलाई है। तो गाइज बहुत ऐसे दिन आ गए हैं ना, धूप से काम करने का मन नहीं कर रहा है। अभी फिर घर आ चुकी हूँ मैं, फूलों को पानी वानी दिया मैंने, नीचे चुटकू के पास गई थी, अब घर आ गई, तो अब अभी से घर में फ्री हूँ। तो घर का काम तो मेरा सुबह ही नहीं पड़ जाता है, तो अब मेरे पति देव भी जा रहे हैं अल्मोड़ा। तो गाइज अब घर में करूँगी कुछ काम, तो नहीं करूँगी, अब आराम करूँगी, दिन भर माल्टा खाऊँगी, बहुत ज़्यादा माल्टा रखे तो माल्टा खाऊंगी, और काम तो मेरा हो चुका है सुबह सुबह का। तो नीचे ना फूलों को पानी वानी दे दिया है, तो फूलों को पानी दे के आ चुकी हूँ घर। आजकल पता नहीं बिल्कुल ताकत भी नहीं आ रही काम करने की, तो मेरे पतिदेव हो चुके हैं रेडी अभी, तो पतिदेव भी रेडी हो चुके हैं अपने काम के लिए, तो इन्हें जाना अल्मोड़ा, तो ये अल्मोड़ा जाएंगे, मैं रहूँगी घर में, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, क्योंकि मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती, नहीं तो मैं भी अल्मोड़ा जाके आती, पर बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, कोई देखने वाला तो होगा है नहीं, तो मुझे देखना होगा आके बच्चों को। तो फिर वीडियो को भी यहीं तक रखती हूँ, आज का काम यही था मेरा, तो कुछ काम होगा नहीं दिन का, तो
खाना वाना भी मैंने सुबह बना लिया, अब दिन में कुछ नहीं बनाऊंगी मैं। जब मैं अकेले होती हूँ तो कुछ भी नहीं बनाती हूँ, तो दिन में सुबह ही नाश्ता में रोटी वोटी बच जाती हूँ, वही खा लेते हैं। तो अब वीडियो को भी यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ प्लीज़ जो मेरे चैनल में नए नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को प्यार देना। और फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।